सादा जीवन, उच्च विचार, काफी समय से देश की परंपरा रही, कहीं खोता गया। आजकल लोग हाव भाव पे, शैलियों पर, कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरी पीढ़ी और मेरे साथी और कुछ सीनियर भी कमेंट करते हैं। मैंने दो चार पात्र उठाए, मैं उतना महान नहीं हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ सारे उन लोगों की वजह से, तरफ से, जो शायद जीवन शैली में वैसे हों और जिन पर प्रभाव ऐसा हो। मेरी जीवन शैली ऐसी क्यों है, शायद इन चार पांच नामों के प्रभावों से हो। मैं आपके सामने रखता हूँ और कविता अगर आप तक पहुँचे तो समर्थन चाहूँगा कि जो अपने लहजे से ईश्वर गढ़े वो गुरु नानक हो जाता है, जिसके हाथ हो माता भोजन करे वो गुरु नानक कह वो राम किशन कहलाता है, और जिसके आने से सब धर्म हो जाए एक वो बिरला कोई कबीर बन जाता है, और जिसके पीछे भागे योगेश्वर वो दरिद्र कोई सुदामा कहलाता है, जो अपने लहजे में ईश्वर गढ़े वो गुरु नानक हो जाता है।